अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हैं आसमास कुकिंग स्पॉट, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत मज़ेदार चटपटी सी खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाएंगे। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि सब रेसिपीज आपको फ्री में मिले। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 75 ग्राम इमली लेकर इसको 2 कप पानी में मैंने भिगो लिया था और ये फूल गई है और इसका मैंने पल्प तैयार कर लिया है। तो चलें इसको अब एक पैन में हम गुट्टियों के साथ और सारी चीज़ों के साथ इस पल्प को डाल लेते हैं और इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप या 1 कप पानी और ऐड करेंगे और इसको बॉयल करते हैं। अब पानी डिपेंड करता है कि आपका पल्प कितना गाढ़ा बना है, क्योंकि मेरे तो काफ़ी ज़्यादा फूल गई थी तो मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। आपको अगर ज़रूरत है तो डालिए वरना मत डालिए। हम इसको बॉईल करेंगे, इतना पकाएंगे कि ये इसके गुठलियाँ और सारी चीज़ें जो इसके अंदर है ना, घंटे वगैरह, वो अलग हो जाएंगी और ये अच्छा सा और गाढ़ा हो जाएगा। और चूँकि माशाल्लाह रमज़ान की आमद आमद है और ख़वातीन पर काम का लोड इतना ज़्यादा हो जाता है, तो ये थोड़ी सी तैयारियाँ अगर पहले कर ली जाती हैं तो बहुत आसानी हो जाती है, आप दूसरे काम जो हैं वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये चटनियाँ और ये सब चीज़ें पहले ही बना लेनी चाहिए। तो देखें इसको अच्छा सा बॉयल आ गया है और ये अच्छा सा गाढ़ा हो रहा है, तो इसके अंदर 1/2 टीस्पून सौंफ डाल देंगे। अगर आपके पास सौंफ का पाउडर होगा ना तो वो फिर आपने बाद में डालना है, वो स्टेज पर नहीं डलेगा, लेकिन अगर सौंफ है तो फिर वो स्टेज पर डाल दें, क्योंकि जब हम बाद में इसका प्रोसेस करेंगे तो वो इसमें निकल जाएगी। तो सौंफ डालने के बाद भी इसको हम 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। सौंफ की बहुत अच्छी सी खुशबू और जायका होता है, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा तो चटनी खूब मज़े की बनेगी। तो देखें चटनी में जो पल्प था सारा वो और पानी मिक्स हो गया है एक जैसा और घंटे वगैरह खुल गई हैं, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो जनाब देखिए अब ये ठंडा हो गया है और गाढ़ा भी ज़्यादा हो गया है। अब हम ग्लव पहन लेते हैं हाथ में और हम जो है इसकी गुठलियाँ और इसकी घंटे जो है अंदर से मोटी मोटी सी पहले निकाल लेते हैं। ये मोटी मोटी इसकी गुठलियाँ सब इसके अंदर से हम हाथ से निकाल लेंगे खूब अच्छे तरीके से। चलें सब साफ हो गया है, तो इसको हम किसी चॉपर में, ग्राइंडर में या मिक्सी में डालकर खूब अच्छा सा पीस के स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। तो चलें अब इसको हम जाली में से गुजार लेते हैं, स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि जो इसके अंदर गिरा या गांठें रह गई हैं छोटी मोटी वो भी स्ट्रेन हो जाए और साफ़ सुथरी सी पेस्ट निकल आए। आपको पता है ना, कोई भी गिरा हो या गांठ हो वो चीज़ को ख़राब कर देती है। चले हमने खूब अच्छे तरीके से इसमें से बिल्कुल साफ सुथरा पल्प और निकाल लिया है और ये जो इसके अंदर देखें कितना कुछ था वो सब हमने छान कर अलग कर लिया है। अब हमारे पास बिल्कुल साफ सुथरा सा एक लिक्विड मिल गया है, इससे हम बनाएंगे मज़ेदार सी चटनी। तो चले एक सॉस पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं और इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1/2 टीस्पून ज़ीरा। हल्का सा इसको कड़कड़ा लेंगे और अगर आपके पास सौंठ हो, आपको जायका पसंद हो, तो 1/4 टीस्पून सौंठ भी आप इसमें डाल सकते हैं। इस टाइम पर हमारे इतनी लाइक नहीं की जाती तो मैंने नहीं डाली। और अब इसमें हम डाल लेंगे इमली का पानी जो हमारा तैयार हुआ था। चलें अब इसका बॉयल आने का वेट करते हैं। और देखें जैसे ही इसको बॉयल आना स्टार्ट होता है तो हम इसके अंदर जिंजर पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर भी 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें। और कलर के लिए पेपरिका जाएगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून, रेड कलर भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ सॉल्ट इसमें ऐड होगा 1/2 टीस्पून
और हाफ टी स्पून ही जीरा पाउडर और काला नमक हाफ टी स्पून। चलें हम इसको खूब अच्छे से मिला लेते हैं और इनको बॉईल करते हैं। तो चलें बॉईल आने पर इसमें तकरीबन 1 कप मैंने शुगर ऐड की है और शुगर के साथ ही 1/4 कप इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड हुई है। चलें अब सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल चुके हैं, तो अब हम इसको सिर्फ पकाएंगे और इसको बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम पर और इसके गाढ़े होने का वेट करते हैं। और तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाने के बाद चीनी जो है उसने इसमें गाढ़ापन लाना शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ये थिक फॉर्म में आ गई है, इस पर एक बहुत अच्छी सी शाइन आ गई है। इस चटनी को आप तकरीबन महीने तक आराम से फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अच्छा, अगर ब्राउन शुगर नहीं है घर पर, अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ डाल सकते हैं। जितनी चीनी होगी उससे आधी क्वांटिटी में गुड़ डालेंगे इसके अंदर। और ये सब डिपेंड करता है कि आपकी इमली कितनी खट्टी है। मेरी चूंकि बहुत खट्टी थी, आपने देखा है कि इसका पल्प बहुत गाढ़ा बना था, तो उस हिसाब से मैंने चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाली इसके अंदर। अगर आपका जो पल्प है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, इमली ज़्यादा खट्टी नहीं है, तो आप थोड़ा कम कर लीजिए इसको और बाकी इंग्रेडिएंट्स का वो सेम होगा। तो चीनी का सिर्फ आपने थोड़ा सा देखना है कि आपका पल्प कैसा तैयार हुआ है, उसे आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपने 3/4 कप डालनी है शक्कर इसके अंदर या आपने फुल कप डालनी है। तो देखें हमारी चटनी गाढ़ी सी बहुत मज़ेदार सी बन के तैयार हो गई है। अब मैंने इसको एक जार में डाल लिया है। इसी तरह किसी बोतल में आप बंद करके इसको रख लें, लेकिन फ़ौरन गर्म गर्म मत डालिएगा, थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तब। और ये देखें ये कितने मज़ेदार है, चम्मच के साथ लग रही है। और जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा पैन में मत कीजिएगा। तो चलें रमज़ान की तैयारी की पहली रेसिपी चटनियों से स्टार्ट की है, इसको बनाइए और फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और फिर चाट के साथ, आप दही भल्लों के साथ, आप जिस चीज़ के साथ खाना चाहते हैं खाइए और खूब मज़े कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।